अभी टाइम मिला है जल्दी से वीडियो लगा के धप 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 कर देता हूँ। तू तो सुसु करने गया था, कैसे लिंग को मसलने लगा? हेलो दोस्तों, मैं हूं साकेत साहू और इंट्रो देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज का टॉपिक है माय फर्स्ट। ये दब दब का सिलसिला तब शुरू होता है जब हम स्कूल में थे और एक लड़का आकर कहता है, हिमांशु तूने मैथ्स का होमवर्क किया? हाँ मैंने तो कर लिया। ए सार्थक तूने किया क्या? नहीं, क्योंकि कल रात में थोड़ा बिजी हो गया था। बिजी हो गया था? अरे वो रोज रात को मैं सोने से पहले थप 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 करता हूँ ना। उस उम्र में आप इतने हॉर्नी होने लगते हैं कि आप न्यूज़पेपर न्यूज पढ़ने के लिए नहीं खोलते, आप सीधा पेज 3 खोलते हैं बॉलीवुड वाला सेक्शन और उसमें लड़कियों की फोटो देखकर ही आपका खड़ा होने लग जाता है। भैया वो एनिमे वाली सीडी है क्या आपके पास, नरूटो? हाँ बहुत सारा, उधर देखो उधर वहाँ पर है। वो नरूटो तो देख लिए, और कोई दूसरी तरह का एनिमे है क्या आपके पास? कौन सा और दूसरे तरह का? वो हेंटाई मिलेगा क्या? हाथ में आई? अरे वो जिसमें लड़की के बड़े बड़े बूब्स होते हैं, वो कहती नीचे भोसड़ी के गंदी पिक्चर देखता साले, तेरे बाप को बताओ। अबे सार्थक तू ये सब कहाँ से देखता है भाई, हमको तो सीडी वाले ने गांड में लाट मार के निकाल दिया। अबे ये सब पापा के जमाने के चोसले थे, सीडी में कौन देखता है अब गंदी पिक्चरें। VPN का नाम नहीं सुना क्या? उस उम्र में सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है पढ़ाई, लौड़ा मेरा स्पोर्ट्स, लौड़ा मेरा। उस समय आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है लूजिंग वर्जिनिटी, वर्जिनिटी, लौड़ा मेरा। आपने हर तरीका अपना लिया, आपने न्यूज़पेपर के पेज 3 के बॉलीवुड वाले सेक्शन वाली लड़कियों को भी देखकर खड़ा कर लिया। फिर आप उस दुकान पर भी गए जहाँ पर वो वाली फिल्में मिलती है, लेकिन उस दुकान वाले ने भी आपकी गांड मार दी। आखिरी में सिर्फ एक ही तरीका बचता है, वो है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन हाई, इमेजिनेशन से अच्छा कोई टूल नहीं होता, बता रहा हूँ। आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, लड़का लड़की ट्रांसजेंडर। अब बारी आती है उस रात की जिस रात आपने इमेजिनेशन की हद पार कर दी और आपके उस छोटे सामान में कुछ बड़ा होने लगा। अभी सो जाता हूँ, कल ना पबजी में ना बिट्टू की माँ चोद दूंगा देखना। हाँ एक सेकंड, चोदने से याद आया कि रोज रात को मेरा टावर सिग्नल क्यों पकड़ने लगता है। जरा जरा महकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन। यार वो नेटफ्लिक्स में स्ट्रेंजर थिंग्स देखा था, उसकी लड़की कितनी क्यूट थी यार। अब से डोरेमोन देखना बंद, सिर्फ स्ट्रेंजर थिंग्स देखूंगा। अरे एक बार पास आ जा। ऐसा चरम सुख आपको कभी नहीं मिला, आप बावले हो जाते ऐसे चरम सुख के बाद। उसके बाद लगता है कि हाथ में एक ऐसा खिलौना आ गया जिसको तो मैं बहुत खेलूंगा। उसके बाद जो साल भर आपका यही सब करने में निकलता है, इतना कर लेते हैं कि आप पतले हो जाते हैं। घर वाले पूछने लगते हैं कि भाई हो क्या गया, तुझे बीमार है क्या? दिन रात इतनी मुट्ठी मार रहा है, मारते मारते लिंग भी ढीला कर दिया। आई थिंक ये हर एक लड़के के जीवन में एक ना एक बार तो हुआ होगा कि वो दब दब करते हुए पकड़ा गया होगा। चलो सोने चला जाए भाई। Naughty America. Nobody. Nobody. अरे दीपू के कमरे से आवाज क्या आ रही है? अरे दीपू बेटा, भोसड़ी के। जब से जियो ने ये फ्री नेट दिया है, साला पूरा इंडिया एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में लौड़ा पकड़ के बैठा है। लौड़ा में। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड फॉलो माई चैनल सार्कैज़म विद साकेत। आई एम साकेत साहू, पीस आउट।